SIP वर्सेस लमसम कौन सा बेटर है? SIP का मतलब होता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और लमसम का मतलब होता है कि आप एक साथ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पर दिए हुए निफ्टी 50 के डेटा को देखेंगे, और अगर आप निफ्टी 50 पे SIP इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 10 साल बाद आपके पास लमसम से मार्जिनली ज्यादा पैसा होगा। लेकिन अगर आप 14 साल के डेटा को देखेंगे तो लमसम का रिटर्न ज्यादा है, और 15वें साल पे SIP का रिटर्न ज्यादा है, और फिर 20वें साल में अगर हम देखेंगे तो फिर से लमसम का रिटर्न ज्यादा है। तो इस डेटा से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो SIP आपको ज्यादा कंसिस्टेंट रिटर्न देता है, और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो कभी SIP का रिटर्न ज्यादा हो रहा है, कभी लमसम का रिटर्न ज्यादा हो रहा है, लेकिन दोनों के रिटर्न लगभग आसपास ही हैं। तो इस डेटा से ये मित्र तो दूर होता है कि अगर आप SIP करते हैं तो लमसम से आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है। आप क्या प्रेफर करते हैं, SIP करना या लमसम इन्वेस्टमेंट? कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।